नमस्कार स्टार अभी तक चैनल में आपका स्वागत है। खबर प्रतिमा की शांतिपूर्ण सफल विसर्जन को लेकर है। शुक्रवार को जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के अथक प्रयास से वर्षों बाद चैती दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन शांतिपूर्ण समय पर संपन्न हो गया। साहिबगंज जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पूजा समिति सदस्य, गणमान्य व शहरवासी, सुरक्षा बलों को उपायुक्त ने इस मौके पर बधाई दी है। शुक्रवार को तय समय अनुसार सभी पूजा समितियां को जिला प्रशासन के द्वारा जो समय निर्धारित किया गया था उस अनुसार प्रतिमा विसर्जन के लिए जुलूस निकाला गया। सबसे आकर्षक जुलूस भारतीय कला मंदिर सिकरुगढ़ का निकाला गया था, जिसमें सभी भक्त भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा के समान दुर्गा के प्रतिमा के रथ को खींचकर गंगा जी तक पहुंचाया, जो काफी दर्शनीय था। प्रशासन थी सतर्क। पूर्व के वर्षों में हुई घटनाओं को लेकर इस वर्ष जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क थी। प्रतिमा विसर्जन के रूट, उससे सटे हर एक गली, रेलवे क्षेत्र सहित अन्य सभी बिंदुओं पर कार्य करके बेहतर समन्वय के साथ प्रतिमा का विसर्जन किया गया। जिला प्रशासन का बहुत ही सफल रहा, जिसका नजीता शांतिपूर्वक पूजा त्योहार संपन्न हुआ। डीसी, एसपी पल की सूचना ले रहे थे। एसडीओ, एसडीपीओ, थाना प्रभारी, एसएसपी जवान, जप, जिला होमगार्ड जवान, स्पेशल फोर्स, सीसीटीवी, ड्रोन से शांतिपूर्ण विसर्जन संपन्न कराया गया। इस मौके पर उपायुक्त ने लोगों से क्या कहा, चलिए सुनते हैं रिपोर्ट। प्रवीण कुमार, स्टार अभी तक। चूंकि जैसा कि आप को विदित है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट प्रभावी है, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दरमियान ही रामनवमी का जो प्रोसेशन था वो रामनवमी का प्रोसेशन भी गुजरना था, तो लॉ एंड ऑर्डर को मद्देनजर रखते हुए तथा चुनाव में आदर्श आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस बार पूरा जो प्रोसेशन हमारा रूट था उस प्रोसेशन रूट पर चप्पे चप्पे पर दंडाधिकारी जितने भी हमारे मैजिस्ट्रेट्स हैं, फोर्सेज हैं, उनको अपॉइंट किया था। इसके अलावा हम लोगों ने विभिन्न ऐसे प्लेसेस जहां पर सेंसिटिव जो लोकेशंस थी उन पर ड्रोन कैमरे के माध्यम से नियंत्रण रखा था। इसके अलावा इन सभी प्लेसेस पर सीसीटीवी के माध्यम से लोगों पर निगरानी रखी जा रही थी, और जो भी प्रिवेंटिव एक्शंस थे अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा और हमारे जो एसडीपीओ हैं, डीएसपी हैं, उनके द्वारा जो प्रिवेंटिव मेजर्स थे वो लिए गए। इसलिए जो ये प्रोसेसन था वो सक्सेसफुली संपन्न हो सका। इस सभी के लिए हम के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ सभी मीडिया के जितने भी लोग हैं मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू।